अबे बह रहा है क्या, सामने से हट। साले तेरे बाप का रोड है। क्या हुआ भाई, मार क्यों रहा है? तेरे बाप का रोड है? हैं? अबे तुझे मरने के लिए हमारी गाड़ी मिली थी क्या? हैं? बहरा है तू? बहरा नहीं हूँ, बस सुनाई नहीं देता। ओहो भाई, बेचारे को आपने खाम खा मार दिया, उसे तो सुनाई भी नहीं देता। बहरा है? बहरा हूँ, अंधा तो नहीं हूँ। भाई आप गुस्सा छोड़े, आप ये बताएं कहाँ जा रहे थे, मैं आपको छोड़ देता हूँ। कहाँ जा रहे थे, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आगे जा रहा हूँ। आए बैठे, गाड़ी में बैठे, मैं आपको छोड़ आता हूँ। मैं मारोगे तो नहीं? नहीं नहीं भाई, बैठो। अब बताओ कहाँ जाना है, कहाँ छोड़ना है तुझे? हैं? कहाँ छोड़ना है तुझे? वो नदीमन फकीर का घर नहीं है उधर? खैर से जा रहा है? हाँ हाँ, उसकी तबीयत खराब है, पूछने जा रहा हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है। बहुत परेशान हूँ मैं। परेशान किस लिए है? यार मेरा उसके घर हुआ पड़ा है रिश्ता, उसको पता नहीं है कि मैं बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता। वो अब बीमार है, पूछने जा रहा हूँ, बातचीत तो करनी पड़ेगी। उसको पता चल जाएगा मैं बहरा हूँ, रिश्ता तोड़ देंगे। oh, no. इसलिए परेशान हूँ। बात तो परेशानी वाली है, लेकिन तू परेशान ना हो, इसका भी हल है मेरे पास। प्लीज यार इसका कोई हल बता, उनको पता ना चले मैं बहरा हूँ। तू उसके पास जाकर चार सवाल करना। चार सवाल? सबसे पहले उसे कहना कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। वो कहेगा अब ठीक हूँ, पहले से बेहतर हूँ। फिर? तो तू कहना माशाल्लाह से अब बेहतरी हो रही है। माशाल्लाह से अब बेहतर हो तुम। दूसरे नंबर पर तूने पूछना है किस डॉक्टर, किस हकीम से इलाज करवा रहा है। वो कहेगा फलां से फलां से। तो तू कहना माशाल्लाह अच्छा डॉक्टर है। ये तो बहुत अच्छा डॉक्टर है। हाँ, तो तीसरे नंबर पे तूने पूछना है कि खुराक में क्या खा रहा है। तो वो कहेगा खिचड़ी खा रहा हूँ, यखनी खा रहा हूँ, मरीज जो है इस तरह की खुराकें ले रहा होगा। बिल्कुल। तू कहना माशाल्लाह ये तो बड़ी जबरदस्त अच्छी खुराक है। आए? तू उसे कहना ये तो अच्छी खुराक है, ये तो बहुत अच्छी खुराक है। हाँ। चौथे नंबर पे तूने पूछना है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत कर रही है। औलाद? हाँ, साफ जहर बीमार बंदा है, औलाद उसकी खिदमत तो कर रही होगी। हाँ नहीं, औलाद का तो सहारा होता है ना। तो तू कहना माशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसी औलाद हर किसी को दे। माशाल्लाह से ऐसी औलाद अल्लाह हर किसी को दे। हाँ, यही सिंपल से सवाल होते हैं। बस बस, ये तो बहुत आसान है। उसके बाद तुम वापस आ जाना। ठीक है, चलो मुझे छोड़ दो वहाँ। चलो। हाँ बहरे, अब तो खत्म हुई ना तेरी टेंशन। कहाँ यार, हमारी कौन सा सरकारी नौकरी है जो मिलेगी पेंशन। चलो भाई। बस बस, यही घर है नदीमन फकीर का। चलो ठीक है, अब जैसे मैंने तुझे बताया ना वैसे ही करना। हाँ? जा जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब तबीयत कैसी है आपकी? बस कोई हाल नहीं है, मरने की तैयारी है, मर रहा हूँ। ओह नो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, ये तो काफी बेहतरी हो रही है। अच्छा तो कौन से डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं? इलाज किससे कराना है बेटा, अब कब्र ही मेरा अस्पताल है, मौत का फरिश्ता ही मेरा डॉक्टर है। सुभान अल्लाह, क्या ही अच्छा डॉक्टर है, बड़े बड़े लोगों का इलाज किया है इसने, आपका भी इलाज कर देगा। बस मेरी तो दुआ है ये डॉक्टर आपका जल्दी से जल्दी काम कर दे। ये मुझ बीमार का पता करने आया, मुझे डराने आया। और बताएं अंकल जी, खाने पीने में खुराक में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं? बस बेटा खाना क्या है, मैं तो कहता हूँ कहीं से जहर मिल जाए, वही खा के मर जाऊं। वाह अंकल जी, क्या जबरदस्त खुराक है, बड़े बड़े अमीर लोग यही खुराक खाते हैं। आपने अगर पहले ये खुराक खा ली होती तो आज आप बीमार ही ना होते। ये कमीना मुझे मार के दम लेगा। बेटा कैसी बातें कर रहे हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। बीमार मैं हूँ, पागल ये हो गया है। और सुनाए अंकल जी, ये जो आप बीमार हुए हैं, आपके बेटे बेटियां घर वाले वो आपकी खिदमत तो करते हैं ना?
खिजमत ऐसी नालायक औलाद है, कभी मेरा हाल तक नहीं पूछा इन्होंने, पानी का गिलास तक भर के नहीं देते, ऐसी गंदी औलाद है मेरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही किस्मत पाई है आपने, ऐसी नेक औलाद नसीब वालों को मिलती है, जीते जी जन्नत कमा रहे हैं। कमीने कमीने, जब से उल्टी बातें करता है, रुक तुझे मैं रिश्ता देता हूँ।